चाची की मम्मा घर पे, आई मीन मेरी मामी के घर पे। तो यहाँ पे अभी हम लोग थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह लेके उसके बाद हम लोग जाएंगे लंच के लिए। गाइज अभी एक गाड़ी का ओवर स्पीडिंग का चालान कट गया है, स्कॉर्पियो का। एक चाचू चला रहे थे वो, और ओवर स्पीडिंग का चालान कट गया उसका। और अभी बोलेरो में यूरिया कम थी तो यूरिया भरवा रहे हैं हम लोग यूरिया पंप से। सो या स्टे ट्यून्ड। सो गाइज पलवल यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है और अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट वगैरह कुछ कुछ लेने और थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। हेलो। सो गाइस अभी 10 बज गए हैं और अभी हम लोग पहुंच गए रिजॉर्ट में, हम लोग दिल्ली पहुंच गए। तो अभी हम लोग चेक इन कर रहे हैं, सो चलते हैं रूम में। सो गाइस मी एंड अपू वी आर एक्सप्लोरिंग दिस प्रॉपर्टी। तो रूम्स वगैरह हम लोगों ने देख लिए हैं। सून आई एम गोना गिव यू अ गाइस अ रूम टूर। तो कुछ इस टाइप से प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी प्रॉपर्टी है, मुझे पसंद आई। एंड अंधेरे में स्विमिंग पूल है और एज यू गाइस नो मुझे बहुत डर रहता है तो मैं नहीं जाने वाली। बाय बाय अप्पू, बाय कट्टी कट्टी। गाइस वी आर गोइंग फॉर डिनर राइट नाउ। सब लगेज वगैरह हम लोगों ने रूम में रख दिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। सो गाइस वी आर डन विद द डिनर। तो अभी हम लोग थक गए थे तो अभी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। सो सुबह मिलते हैं, बाय, गुड नाइट। सो हे एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो मैं जस्ट अभी उठी हूँ और अभी 9 बज रहे हैं और मुझे ना ये थोड़ी बहुत ज़्यादा डरावनी सी लगती है। और जो एग्जिट है ना, ये तभी चलता है, मतलब सेंसर से चलता है जब अपन आगे बढ़ते हैं। वो एकदम से चलना मुझे बड़ा ऐसा अजीब सा क्रीपी सा लगता है। तो अभी हम लोग 9 बजे उठे हैं, 9:13 हो रहे हैं अभी, और ब्रेकफास्ट का टाइम सिर्फ 10 बजे तक का है। तो ब्रेकफास्ट के लिए हमें जल्दी जाना पड़ेगा, तो अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। और बाहर का व्यू बहुत प्यारा है, मतलब गार्डन बहुत ज़्यादा प्यारा है। और जो हमारे रूम से व्यू आता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा शानदार है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसके बाद फ्रेश वगैरह होके आई गेस वो सब पैकेट का सामान है वो करेंगे एंड देन कहीं जाएंगे। फोन नहीं देखते। गाइस वी आर डन विद द ब्रेकफास्ट। तो अभी हम लोग रेडी होके नीचे कुछ वीडियो वगैरह शूट करने जाएंगे गार्डन में। तो तब थोड़ा शूट चलेगा आज, क्योंकि हम लोग बिल्कुल फ्री हैं आज, कुछ नहीं है करने के लिए। सो यार चलते हैं। सो गाइस मैंने नहा लिया है, मैं रेडी हो गई हूँ। अभी बहुत कम लोगों ने नहाया है तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने प्रॉपर्टी को, गार्डन वगैरह में घूमने। और मैं और बानी जा रहे हैं, बानी मेरी फ़ोटोज़ क्लिक करने वाली है ना बानी, शी इज़ माई फोटोग्राफर। तो एंड या आई एम हैविंग माई मिल्क, क्या बोलते हैं, मिल्क पाउडर राइट नाउ। गार्डन बड़ा ज़्यादा प्यारा सिंपल सोबर सा है और मज़े आ रहे हैं यहाँ पे घूमने में। यहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत प्यारी है, क्लिक हो रही हैं। और बस थोड़ी सी होटल की मैनेजमेंट सर्विस थोड़ी सी सही नहीं है, बाकी तो ऑल ओवर होटल शानदार है। बट यहाँ पे जो स्विमिंग पूल, हमने सोचा स्विमिंग करके आएंगे, मेन रीज़न यही था ये होटल करने का कि यहाँ अच्छा स्विमिंग पूल है यहाँ पे, बट ये स्विमिंग पूल क्लोज है अनफॉर्चुनेटली। सो या हाँ, स्विमिंग पूल ख़राब हो गया तो अभी हम लोग फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पे। इट्स अ नाइस प्लेस। मुझे नहीं पता था कि मनवीर इतने अच्छे फोटो क्लिक कर लेता है। बानी का पता था, बानी शानदार क्लिक करती है, मनवीर कर लेती है, बट मनवीर तो इतनी प्यारी प्यारी फोटोज क्लिक कर रहा है ना आज फर्स्ट टाइम। मनवीर वेरी गुड। और मेनू ईगल व्हाट्सअप, हाउ आर माय फोटोग्राफर्स गाइस, यू नो गाइस ये उधर से चक के गई थी, अब इसे हम एंट्री नहीं देंगे। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं लंच लेने के लिए बाहर। तो अभी हम लोग बीच में
एक्चुअली गुड़गांव और दिल्ली के, तो हम लोग को थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा और पापा वगैरह वो ले गए हैं, सब गाड़ी की चाबी ले गए प्रोटेस्ट में, तो हमारे पास कोई गाड़ी भी नहीं है, तो हम लोगों ने भी ऑटो हायर किया हुआ है जाने के लिए। सो गाइस अभी हम लोग बाहर गए थे बिकॉज मुझे रिजॉर्ट का खाना कुछ खास नहीं लगा, फीका सा था, किसी को भी ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो हम लोग गए वहाँ पे पिज़्ज़ा हट जाने वाले, तो मैंने ओला बुक कर दी, ओला बुक की, उतने में हमें एक ऑटो दिख गया दादू साइड के, चलो ठीक है ऑटो में चलते हैं, जल्दी आ गए, ओला को टाइम था, मैंने ओला कैंसिल कर दी। उसके बाद हम लोग गए लेने, तो इतनी मतलब इतने अजीब से यहाँ के ऑटो वाले हैं ना, चिड़चिड़ करते हैं, तो यहाँ से हम लोग गए तो हरियाणा दिल्ली बॉर्डर आ गया, बिकॉज हम लोग एंडिंग पे गए इधर एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के पास, तो जो हरियाणा दिल्ली बॉर्डर आया तो वहाँ पे हमें एक ऑटो चेंज करना पड़ा, जो अशोका से लेकर गए वहाँ पे चेंज करना पड़ा बॉर्डर पे, बॉर्डर से जो गए वहाँ, तो जहाँ पे हमें पिज़्ज़ा हट नहीं मिला वहाँ पे, क्योंकि वो अपडेटेड नहीं बता रहे थे गूगल मैप्स पे, तो वहाँ पे हमें पिज़्ज़ा हट नहीं मिला, फिर वहाँ पे हमें ऑटो चेंज करना पड़ा, बिकॉज वो ऑटो वाला कहता उससे आगे मैं नहीं लेकर जाऊँगा, उसके बाद एक और ऑटो चेंज करा, वो फिर से नखरे देने लगा, उसके आगे मैं नहीं लेकर जाऊँगा बॉर्डर के आगे, फिर बॉर्डर हरियाणा बॉर्डर से एक ऑटो चेंज करा, तो चेंज करके हम लोग होटल पहुँच पाए, और इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मेरी शक्ल रेड हो गई है, बिल्कुल एकदम रेड हो गई मेरी शक्ल, बहुत बुरा हाल हो गया, एकदम गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, जैसे रिजॉर्ट पहुँचा एसी में इतनी ठंडक मिली, एंड अगेन आई एम आउट। और अभी 4 बज रहे हैं, रिजॉर्ट का खाना अच्छा नहीं है, 3 बजे के आसपास भूख लगी थी तो हम लोग चले गए, और ऑटो पे फिर 6 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर गए थे, 4 किलोमीटर दूर, तो हम लोग 8 किलोमीटर ट्रैवल किया हम लोगों ने ऑटो में, अभी तो बुरा हाल हो गया, अभी खाने का पापा लोग लेकर आ रहे हैं, वो प्रोटेस्ट में गए हैं, तो वहाँ से ही लौटते टाइम कुछ ना कुछ ले आएंगे रास्ते से, तो अभी वो लोग आ रहे हैं, तो फिर करते हैं डिनर, 4:30-5 बजे डिनर होगा आज हमारा। सो गाइस फाइनली वी आर डन विथ आवर लंच, सो गाइस हम लोग मनवीर को उठा लाए हैं और अभी हम सब लोग जा रहे हैं बाहर गार्डन में वॉक करने के लिए, सो लेट्स गो। मैम तो गाइस काफ़ी टाइम बाद क्रो देखने को मिला, बिकॉज क्रोज काफ़ी रेयर हो गए हैं आजकल, हमारे घर पे पहले क्रोज ही क्रोज होते थे, अब तो क्रोज होते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। मेरी चप्पल बहुत दूर फेंक दी, किधर मेरी चप्पल, ऑरेंजेस, चप्पल बहुत गिल्ला है, चलो मेरे खींच। इस देर से पिकॉक इसकी आवाज आ रही थी काफी टाइम से, उल्टे काम कर रहे हैं, उन सीढ़ियों को छोड़ के इधर से जा रहे हैं, शिट मैन, चलो पहुंच गए। हमारे इस साइड एक फॉरेनर बैठी हुई है, तो मनप्रीत कह रही है मेरे से कि तू जाओ और इंग्लिश में अच्छी से बात कर और उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर दे, बट मैं मेरी बस की नहीं है, मतलब मेरे से अच्छी से बातें होंगी तो मैं नहीं जा रही, बट ये मुझे बहुत फोर्स है, मुझे खींच खींच लेकर जाए, देखो अभी किधर इतनी पास ले आई मनप्रीत, मुझे खींच खींच के लेकर जा रही है, उस साइड मैं नहीं चल रही, चल बैठे सकते हैं ना यार, ऐसे पागल होकर अभी मैं बोलती हूँ वो इंसान ही, तो हमने भी दिए ना, और ये बात वो नहीं समझ रही कि वो भी इंसान ही है, इसे बात करनी है फॉरेनर से, ये हमारी कैनेडियन मैम बात करेंगे उन फॉरेनर से जाके, हमारी कैनेडियन फॉलो मी, व्हाई फॉलो यू, फॉलो मी। सो गाइस उस कोरियन लड़की के साथ मीटिंग डन है और वो कोरिया से ही थी, उसने फोटोज क्लिक कराए हमारे साथ एंड हमने भी उसने अपने फोन में फोटोज क्लिक कराए हमारे साथ, और अभी हमारा 150 जो रूम नंबर है ना वो बार बार लॉक हो जाता है, तो अभी हम लोग 150 रूम नंबर के लिए की लेने जा रहे हैं मास्टर के लिए। गाइस देखना ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे घास नहीं कटी हो रही, अभी पानी के साथ फोटो शूट किया हमने, बिकॉज शी इज गोइंग कैनेडा, तो अभी रात को 2 बजे फ्लाइट है, एंड यहाँ हम लोगों ने चेंज कर लिए हैं कपड़े और अभी हम लोग को जल्दी निकलना पड़ेगा, बिकॉज ये जो हमारी रोड है ना ये मेन रोड है, तो इसके बाद वो हाईवे का मैं नाम भूल गई, दिल्ली फरीदाबाद इस टाइप से कुछ हाईवे था, तो उस हाईवे पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, तो पापा लोग अभी आए थे,
हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा एयरपोर्ट के लिए. एयरपोर्ट आई गेस 3 किलोमीटर दूर है हमारे रिजॉर्ट से, तो बस जल्दी निकलते हैं हम लोग एयरपोर्ट के लिए अभी. और बानी के नानी नानू भी आ गए हैं यहाँ पे, सोया निकलते हैं. तब अभी इनकी मस्ती चल रही है यहाँ पे, थोड़े तो इमोशनल हो गए. डिनर करने के लिए उमराव में हमारे होटल के पास ही था ये, उसके बाद हम लोग को जाना है एयरपोर्ट बानी को कैनेडा छोड़ने. सबसे ज्यादा महंगे यूएसए है. डिनर और अभी हम लोग जा रहे हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बानी को छोड़ने. गाइस अभी हम लोग ने सामान रख लिया है और हम लोग जा रहे हैं टर्मिनल 3 में. हम लोग तो जा नहीं सकते, चाचू बानी एंड चाची जा रहे हैं टर्मिनल 3 में. सोया चलते हैं. बानी अच्छा लगेगा कनाडा जाके? हाँ. कितना अच्छा? बहुत ज़्यादा अच्छा. चल सेट चल. वैसे अभी हम लोग आ गए हैं टर्मिनल 3 के गेट पे और हम लोग तो जाने नहीं वाले, चाचू चाची जाने वाले हैं, तो इन लोग को सी ऑफ करके. और यहाँ पे जितनी साइड देखो ना, ऑलमोस्ट सरदारी सरदारी 70% यहाँ पे सरदारी हैं पूरे एयरपोर्ट पे, ये सब लोगों ने नोटिस की है और हम भी सरदारी हैं. चाचू का फ़ोन आया, वो लोग अभी नीचे हैं तो हम लोग नीचे जाए, मतलब वो लोग नीचे से फ्लाइट लेंगे तो हम लोग नीचे जा रहे हैं देखने के लिए. रन रन रन. गाइस जरूर उल्टा चलो चढ़ रही है देखो. चलो भैया चाचू गए तो वो लोग गए अब नहीं कहीं से देखने वाले. सोया अब हम लोग जाते हैं होटल. 12 बज गए हैं, 2 बजे उनकी फ्लाइट है आज, मतलब कल 16 को, तो चलते हैं. गए सब थक गए हैं, सब लोग भी बैठ गए हैं. बस फर्क इतना है कि गाइस वी आर हैविंग कॉफी राइट नाउ. अभी हम एयरपोर्ट पे ही हैं. सेम मंत्री जैसी टी शर्ट उस लड़की ने पहनी हुई है, सेम प्रिंट वगैरह सब, मुझे लगा साइज भी सेम है मंत्री. सो गाइस अभी चाची का वो आया, वीडियो कॉल आया और वो बोल रहे कि हम जा सकते हैं. तो उनकी पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गए और वो अंदर जा चुके हैं. वहाँ पे नेटवर्क कम है तो वीडियो कॉल में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, बाकी हाँ अब पूरी फॉर्मेलिटीज़ कम्प्लीट हो गई. अब 1 बज गए रात के, तो उनकी फ़्लाइट 1:40 पे है, तो हम लोग चलते हैं वापस होटल. चल लेट्स गो. हेलो. सो गाइस वी आर बैक रिजॉर्ट और चाचू चाची और बानी से 3-4 बार वीडियो कॉल हो चुकी है तब से, और अभी बस वो 5-10 मिनट के अंदर अंदर बैठने वाले हैं फ्लाइट में. उनकी फ़्लाइट आ गई है और या बाय बाय गुड नाइट, सुबह मिलते हैं. सो गाइस 3:30 बज गए एंड वी आर स्टिल अप. दिख रहा है
एक्चुअली इस कमरे में पूरा हमारे राज है, तो या हम लोग जाग रहे हैं अभी तक। झटका बजे लैण दा शौकी तू दिल बट दिल मांग दी। सब लोग सो गए तो हम लोग अभी सोने की सोच रहे हैं, तो सो जाते हैं। सो बाय बाय, गुड नाइट। सुबह से हम लोग 4 बजे सोए थे रात को, और हमें 9 बजे उठा दिया गया है। कितने घंटे? 4 घंटे। आंखें लाल हो गई हम दोनों की, आधी रात तो नींद आ रही है इसी के चक्कर में। इसे ठंड बहुत लग रही थी, मुझे तो पता ही नहीं चला मेरी नींद लग गई थी। गाइस वी आर ऑल रेडी, और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद निकलेंगे वापस अशोक नगर। गाइस वी आर डन विद आवर ब्रेकफास्ट, तो अभी सब लोग कर रहे हैं ऊपर ब्रेकफास्ट। मैं और अपू जल्दी फ्री हो गए थे, इसके बाद हम लोग जाएंगे वहाँ पे पैकिंग करेंगे, पूरा फाइनल पैकिंग करेंगे, उसके बाद करेंगे चेकआउट। गाइस वी हैव रीच्ड असली पप्पू ढाबा। अभी भूख ज़्यादा लगी नहीं है, पर थोड़ा बहुत यहाँ की कुल्फी बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो कुल्फी खाने के लिए हम लोग रुके हुए हैं, और थोड़ा फ्रेश होने के लिए। चॉकलेट कुल्फी बहुत ही यम्मी है यहाँ की, तो हम लोग वो खाने के लिए रुके हुए हैं अभी। ओ भैया टर्किश आइसक्रीम। गाइस जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब इतना कुछ नहीं था यहाँ पे, अभी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। यहाँ पे पीछे हाउस ऑफ कैंडी आ गए, एंड बाहर टर्किश आइसक्रीम वगैरह और अलग अलग स्टॉल्स लग गए हैं। अंदर भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं, बट मैं तो अपनी वही चॉकलेट कुल्फी खाने वाली। बानी हेलो, हाउस ऑफ कैंडी दिखता है जैसे ही ये सामान खरीद लेती है उससे। ये देखो गाइज आई गॉट दिस आइसक्रीम टू, बट यहाँ पे मेरा ये भी रखा है, कैफे लैटे भी रखा हुआ है, आइसक्रीम भी है। मैं क्या पता कैसे मैनेज करने वाले हैं दोनों को पीना साथ में। सो ये लेट्स डू। वाले को पे करना था, तो मम्मा को फ़ोन चाहिए था फ़ोन पे करने के लिए, तो मम्मा वहाँ से आवाज़ दे रही कि फ़ोन लेकर मैं इधर फोटो क्लिक कराने लगी थी मेरी, तो मैं जब फ़ोन दे के जा रही तो मेरे हाथ में आइसक्रीम भी थी और वो कैफे लैटे भी था। मैं जैसे ही आगे बढ़ी, वो मनरीत को, जब मनरीत जल्दी है फ़ोन पकड़ ले गिरने वाला है, जितने में मनरीत ने सुना मेरा कैफे लैटे नीचे गिर गया, और मैं ये पूरी गीली हो गई, मेरा फ़ोन पूरा गंदा हो गया था। गाइस फ़ोन साफ कर देगा तो मेरी आइसक्रीम का आइसक्रीम सूप बन गया है। सो गाइज अभी हम लोग डबरा आ गए हैं, और ग्वालियर बाईपास से दादू वगैरह सब लोग अशोक नगर के लिए निकल गए थे। मैं, मम्मा, पापा, मनरीत और मनवीर हम लोग डबरा आ गए नानी के घर पे, मेरी नानी के घर पे। तो यस वी आर इन डबरा राइट नाउ, सो लेट्स गो। एंड आई विल बी स्टेइंग हेयर फॉर अबाउट 10 to 12 days, तो नेक्स्ट ब्लॉग्स आपके यहीं के। सो गाइस डबरा आने के बाद मैं गुरुद्वारे चली गई थी, तो गुरुद्वारे से अभी जस्ट मैं वापस आई हूँ, अभी 9 बज रहा है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई, मुझे बहुत नींद आ रही है, एंड यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। सो या आई एम गोना स्लीप, बाय बाय, गुड नाइट।